मुझे उम्मीद है कि 90% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे, अभी जब करेंगे तो समझ में आएगा। जो एग्जाम टेम्परामेंट होता है, आवाज आ रही है? ठीक, रिकॉर्ड चालू है। ठीक, तो जो क्वेश्चन आया था बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था वो, और मैं अक्सर बच्चों को पढ़ाते समय उस पर ध्यान देता था कि इस बात को समझो। मैं क्या बोलता था, जो इधर उधर के पेपर होते हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्लर्क का हुआ या और भी किसी विभाग में क्लर्क या इन सब का क्वेश्चन पेपर आता रहता है, तो उसमें क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन आ जाओ जल्दी से, उसमें क्या होता है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन रख देते हैं जो एकदम आपके लीक से हटके होता है, और लीक से हटके होता है तो आप क्या करते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। कंफ्यूजन में क्योंकि क्या होता है कि वहां पे एग्जाम टेम्परामेंट भी बहुत अलग होता है, टाइम भी हमारे पास कम होता है। जैसे इस पेपर में 90 मिनट मिला था और 100 क्वेश्चन करने थे, 90 मतलब 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक क्वेश्चन को लगभग 1 मिनट मिल रहा है। अब और मैथ्स जो थी वो 25 क्वेश्चन सारे 11th 12th वाले थी। अलावा हाईकोर्ट का पेपर दिए थे, है ना, कैसा रहा? मैथ्स बेकार हुई, सभी की यही शिकायत है। हालांकि जीएस वगैरह तो बहुत आसान आया था। अब जीएस का समझ लो कि एक क्वेश्चन था कि नोबल प्राइज किसे नहीं मिला है साहित्य में, है ना, नहीं किससे मिला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने साहित्य में नोबल पुरस्कार जीता है। तो इसको जिसे नहीं भी मान वो भी कर लेगा, क्यों, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम ऑप्शन है। सब जानते हैं कि अब कलाम को तो नोबल नहीं मिला हुआ है, गांधी जी को मिला नहीं हुआ है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला नहीं है, तो है कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर ही ऑप्शन है। और साहित्य सब जानते हैं कि साहित्य से रविन्द्रनाथ टैगोर ही जुड़े थे। एक क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक्स में बिट्स एक बाइट के बराबर होता है, कितने बिट्स एक बाइट के बराबर होता है, 8। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। एक क्वेश्चन था कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा द्वारा की गई न्याय का पुकार का सुना जाना सुविधाजनक बनाने के लिए न्याय का घंटा, जहांगीर। और एक और इसी मुगल से आया था, हालांकि इस क्वेश्चन में सेव नहीं हूं मैं, देख लेना। हाँ, शतयुग शाहजहां, क्यों, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर उनके ही जमाने में सबसे ज्यादा, ताजमहल वाजमहल वही बनाए हैं, लोग घूमने जाते हैं आजकल भी, है ना। ऑस्ट्रेलियन डॉलर और ये सब, विटामिन डी, इन सब के क्वेश्चन थे। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, कुछ लोगों ने तो भारत मार दिया भारत में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है ना, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी यूएस में है। चलो हम मैथ का पोर्शन कवर करते हैं, देखते हैं एक बार पेपर का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये सेट डी है, ठीक है, मेरे पास जो पेपर आया मैं उसी पेपर को सॉल्व करवाता हूँ। टोटल 100 क्वेश्चन थे पेपर में, जिसमें 25 आपकी हिंदी थी, 25 आपकी जीएस थी, 25 इंग्लिश थी और 25 मैथ्स था। मैथ्स का पोर्शन जो था 11th 12th क्लास से था ज्यादातर, बच्चे परसेंटेज और टाइम एंड वर्क और इनके क्वेश्चन ढूंढ रहे थे, और दुर्भाग्यवश उस पोर्शन से, अर्थमेटिक पोर्शन से एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा, सारे जो था वो एडवांस पार्ट से पूछा। उसने क्वेश्चन कहां से उठाया, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन उठाया, क्वेश्चन एलजेब्रा से उठाया, क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से उठाया, क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से उठाया, है ना, क्वेश्चन पीएनसी से उठाया। तो अभी देखेंगे सारे क्वेश्चन, आपको ये सब भी चैप्टर पढ़ने बहुत जरूरी, और इस इंडिविजुअल क्लास में तो हम सारे चैप्टर कवर करेंगे ही, मान के चलो कि आपको 12th तक सारे चैप्टर, क्यों, क्योंकि अभी आप यूपीएससी की वगैरह पेपर देंगे ना, सीसेट वगैरह का, तो सीसेट वगैरह में भी ये सब अलजेब्रा वगैरह कुछ भी पूछ सकते हैं। उसमें आप ये मत मान के चलो कि आपसे केवल अर्थमेटिक पूछेगा, अर्थमेटिक तो पूछता ही है, लेकिन उसमें आपको भाई बेसिक अलजेब्रा तो आना ही आना चाहिए, रूट्स क्या होते हैं, निकाला कैसे जाता है, आप पढ़े होगे इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े होगे, है ना, कोलिनियरिटी, एक ही लाइन में सारे पॉइंट हो तो कैसे प्रूफ किया जाए कि वो एक ही लाइन में होंगे, उसका भी क्वेश्चन था। डिस्टेंस फार्मूला वहां से पढ़े होगे, सेक्शन फार्मूला पढ़े होगे, तो वो सारे क्वेश्चन जो 11th क्लास 12th क्लास में होते हैं वो सारा आपका इस पेपर में पूछा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 तक, तो मान लो यही सब उल्टा सीधा था, मेरे सब्जेक्ट नहीं था। 76 से शुरुआत होता है, पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ था और सबसे अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बच्चे इसे गलत किए होंगे। क्वेश्चन था कि 3x3 का मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स आप लोग जानते हो, मैट्रिक्स पढ़े नहीं होंगे, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, जो 11th 12th में पढ़े होंगे। मैट्रिक्स कुछ ऐसे फॉर्मेशन होता है, पढ़े हो, क्या बोलते हैं हिंदी में, आव्यू, ओहो चलो। तो अब जैसे ये 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तीन इधर और तीन
इधर। तो इसमें बोला, अब ये केवल मैट्रिक्स आपको बेवकूफ बनाने के लिए दिया है, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है। इसमें बोला कि क्वेश्चन पहले सुनो, 3x3 का एक मैट्रिक्स है और हर हर इसमें सेक्शन में या तो जीरो हो सकता है या तो वन हो सकता है, तो ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, उसने क्वेश्चन ये पूछा। बच्चे सोचे अरे मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, ये कैसे लगाएंगे, ये आज तक पढ़े नहीं, जबकि ये क्वेश्चन कहाँ का है, पीएनसी का है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक, कैसे हम ऐसे ना देखें, हम देखें कि हमारे पास कितने डब्बे हैं, नौ डब्बे हैं, समझना, 3, 3, 6, 7, 8 और 9, ये 9 डब्बे हमारे पास हैं जो हम निकाल के, और हर में या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा, या तो जीरो आएगा या तो वन आएगा। तो ये पूछ रहा है कि आपके पास 9 डब्बे हैं और हर डब्बे में या तो जीरो आए या तो वन आए, तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं, ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल हैं, वो पूछना चाह रहा था आपसे, ऐसे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं। तो ऐसे क्वेश्चन लगाएंगे कैसे, अभी आप समझना, नंबर सिस्टम में हम एक बार देखे भी थे, नंबर सिस्टम जिस समय कर रहे थे तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जिस समय सीख रहे थे, उस समय मैं आपको दोनों बना के दिखाया था, कि स्ट्रक्चर इधर बनाया था, कि स्ट्रक्चर इधर बनाया था, 1, 2, 1, 2, 3 ऐसे करके फिर पेयरिंग किया था ना, ये भी पेयरिंग ही बनाना है, समझना बात को। अभी आपके पास केवल दो डब्बे होते, केवल दो डब्बे होते, हाँ, तो कितने कॉम्बिनेशन बनते, या तो भाई इसमें जीरो होता, इसमें भी जीरो होता, या तो इसमें जीरो हो इसमें वन हो, या तो इसमें वन हो इसमें जीरो हो, या तो इसमें भी वन हो इसमें भी वन हो। इस चार एंट्री के अलावा और कोई एंट्री हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना। तो दो डब्बे हैं तो दो एंट्री यहां थी, दो एंट्री यहां थी, कितने बन गए, 2 × 2 = 4। ठीक कॉन्सेप्ट यहां भी लगेगा भाई, दो एंट्री यहां है, दो एंट्री यहां है, दो यहां है, दो यहां है, दो यहां है, ऐसे ऐसे करके दो दो एंट्री सब में है, और सबका अगर कॉम्बिनेशन निकालना है तो हम आपस में सब में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो कितनी बार गुणा होगा, 9 बार, यानी 2 की पावर 9 आंसर था, यानी आंसर क्या था, 512। और बहुत बच्चे इसका आंसर कर आए 18, कितने लोग 18 किए, किए ना, 18 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, 512 होगा, 2 की पावर 9। जब भी ऐसा है, पेयरिंग को करना हो तो आपस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमेशा क्या होता है, गुणा होता है। दूसरा क्वेश्चन था, अच्छा बहुत लोगों का दिमाग सूट रहा होगा, ये सब पता नहीं क्या चलने लगा, मैथ आज तक तो ये देखे ही नहीं है ना, ये भी आपका पोर्शन है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं एक चैप्टर है, ये एक कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जो आपको कहीं भी यूज ले सकता है, वो आपका नंबर सिस्टम में यूज हो सकता है, जैसे हम फैक्टर निकाल लेते वहां पे देखे थे, कहीं पेयरिंग बनाना हुआ, कहीं रीजनिंग में आपसे पूछ लिया कि मान लो आपके पास 3 शर्ट है और 4 पैंट है, 3 शर्ट है और 4 पैंट है, आप कितने तरह के कपड़े पहन सकते हो, 3 तरीके से, 12 तरीके से भाई, 3 × 4 = 12 तरीके से। मान लो रेड, ब्लू, येलो, और ये मान लो जीन्स है, ट्राउजर्स है, जी दो जीन्स है आपके पास, 2 ट्राउजर है, पजामा जामा कोई पहनते हो चलो मान लो ये, तो भाई हो सकता है इसके साथ ये, इस रेड वाले शर्ट के साथ ये वाली जीन्स पहनो, इस रेड वाले के साथ ये वाला ट्राउजर पहनो, इस वाले के साथ ये वाला जीन्स पहनो, इस वाले के साथ ये, तो एक के साथ कितना पहने, 4, ऐसे इसके साथ भी 4, ऐसे इसके साथ भी 4, तो टोटल कितना हुआ, 12। तो आपस में क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो ये आपको कहीं भी कॉन्सेप्ट लग सकता है, ये एकदम मत सोचो कि अरे ये 11th क्लास का है तो मुझसे नहीं पूछा जाएगा, कहीं भी आपसे ये क्वेश्चन दे सकता है, तो आप इस चीज को एकदम समझो कि कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो जितने भी आइडेंटिटीज होते हैं आपस में क्या होते हैं, उनका गुणा होता है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन था हाइट एंड डिस्टेंस का, ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति में ऊंचाई और दूरी चैप्टर से था। क्वेश्चन ये था कि एक पोल है, एक 6 मीटर ऊंचा खंभा, एक खंभा है जो 6 मीटर ऊंचा है, 2√3 मीटर लंबी परछाई मैदान पर डालता है। मान लो यहां पे सूरज है तो इसकी जो परछाई, ऐसी तो परछाई आएगी, ये मान लो इसकी परछाई है, ये जो परछाई है इसकी जो लेंथ है 2√3 है, तो बोल रहा है कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना होगा, उन्नयन कोण ये क्या हो जाएगा, 6, और बेस कितना हो जाएगा, 2√3, इसे कट करो क्या आ जाएगा, 3, और √3, 3 को काटेगा क्या आएगा, √3, तो थीटा बराबर क्या आएगा, टेन थीटा बराबर अगर √3 तो थीटा बराबर क्या आएगा, 60 आएगा, टेन 60 का मान होता है √3, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन था
क्वेश्चन नंबर 78, मूल के लिए निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। अभी देखना इस क्वेश्चन को, लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं थी, गो थ्रू ऑप्शन से इसे हम चेक कर सकते थे, है ना। ऑप्शन से ही किए थे, बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस 12 बराबर 0, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। बोल रहा है ये एक इक्वेशन है और इसके रूट्स क्या होंगे, चार ऑप्शन आपके हाँ निकालो निकालो तब तक। इसका पहला दिया है ऑप्शन एक्स वन बराबर 1 और एक्स टू बराबर 2, बी दिया है एक्स वन बराबर 2 और एक्स टू बराबर 3, सी दिया है एक्स वन बराबर 3 और एक्स टू बराबर 4, और डी दिया है एक्स वन बराबर 5। जिनके पास पेपर ना हो, ग्रुप पे आ गया है पेपर, वहां से डाउनलोड करके देख सकते हो, वहीं से देख रहे हो। और एक्स टू बराबर 6, ये क्वेश्चन था, चार ऑप्शन दिया था, बोल रहा था कि रूट क्या होंगे। जो भी थोड़ा भी एलजेब्रा का कॉन्सेप्ट मालूम होगा उसे मालूम होगा, रूट और कुछ नहीं, एक ऐसी वो वैल्यू होती है जहां पे ग्राफ की वैल्यू क्या होती है, क्वाड्रेटिक, जीरो होती है। कहने का मतलब अगर मैं ये दो वैल्यू पुट कर दूं तो ये इक्वेशन क्या हो जानी चाहिए, जीरो के बराबर आ जानी चाहिए। तो अगर हम एक्स बराबर 1 रखें, सबसे पहले इसे उठाते हैं, तो यहाँ पे 1 बनेगा, यहाँ पे 7 बनेगा, यहाँ पे 12, ये कभी जीरो हो सकता है क्या, नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन तो पक्का पक्का कट गया। दो लो, अगर दो होगा तो 2 दूनी 4, यहाँ पे 7 दूनी 14 प्लस 12 12 4 16, कभी हो सकता है क्या, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 3 रखो, 3 3 7 3 21 प्लस 12 12 9 21 माइनस 21 0, ये ऑप्शन हो सकता है। अभी रुको, एक्स की वैल्यू 5 पे चेक कर ले, ये 25, ये 35, ये 12, ये नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया, हमें x2 की वैल्यू चेक करने की जरूरत पड़ी ही नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे क्वेश्चन में आप वैल्यू पुट करके लगा सकते हो, क्लियर। गुणनखंड कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे फैक्टर से भी लगा लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12x माइनस 4, अगर x को बाहर लें और माइनस 3 को बाहर लें तो x माइनस 4 और x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 4 होगा या x बराबर 3 होगा, ऐसे भी निकल आएगा। वो तो आपका कन्वेंशनल मेथड हाई है, लेकिन मैं उनके लिए बताया जिनको ये चीज ना मालूम हो, वो सीधे क्या कर दें, वैल्यू पुट करके देख लें, वहीं पे क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्लियर। अब देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन जो पूछा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एससीएफ, मासा निकालना था, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य। मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाते समय बोला था कि कोई भी नेचुरल नंबर या तो 1 होगी या तो प्राइम नंबर होगी, मतलब अभाज्य संख्या, और या तो भाज्य होगी, कंपोजिट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलता चला जाए, ये क्या है, प्राइम है नहीं, एक ना तो प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है, ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है। तो अभी देखो, सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है, और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो 2 और 4 के बीच में मासा क्या होगा, 2 ही तो होगा। लेकिन बच्चे यहां पे जो नंबर सिस्टम पढ़े थे थोड़ा ध्यान से, वो ये तो जान गए थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन क्योंकि इसमें ये दे दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या, उसी में हो गए कंफ्यूज। और उन कुछ बच्चे क्या दिमाग लगा ले गए, भाई कोई एक प्राइम नंबर है, 2 तो प्राइम नंबर है, अब प्राइम नंबर के साथ किसी का भी किया जाएगा तो वो को प्राइम बन जाएगा, पता नहीं कहां से दिमाग लगा लिए वो, और उसका क्या आएगा, एससीएफ 1 आएगा। मैक्सिमम बच्चे एससीएफ 1 करके आए हैं, जबकि क्या 2 करके आए हो, बहुत बढ़िया। एससीएफ क्या होगा इसका, 2 होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। बोल रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, ठीक 2 हेड्स चित प्राप्त करने की संभावना या प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता पे क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी पे। बोल रहा है कि एक सिक्का, 3 सिक्के हैं, उछाले जा रहे हैं, एक बात बताओ, सिक्का उछालोगे तो क्या आएगा, या तो हेड या तो टेल, लेकिन सिक्का कितने हैं, ये क्वाइन 1, ये क्वाइन 2, ये क्वाइन, एक ही सिक्का है, 3 बार उछाला जा रहा है। तो मान लो ये 3 बार, पहली बार उछाला गया, दूसरी बार उछाला गया और तीसरी बार उछाला गया, एक सिक्के को 3 बार उछाला जा रहा है।
अब उछाला जा रहा है तो ये पूछ रहा है कि कितने हेड प्राप्त हो, दो हेड हैं, ऐसा उछाला जाए कि दो हेड प्राप्त होने की कुल प्रायिकता क्या होगी। प्रायिकता और कुछ नहीं होती, कभी भी आपसे आए प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना कि कितना आउटकम आ सकता है अपॉन टोटल आउटकम, है ना, पॉसिबल अपॉन टोटल, यही प्रोबेबिलिटी की केवल और केवल एक फॉर्मूला है। और इसी बेसिक फॉर्मूला पे बड़े से बड़े क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी के क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है कि एक सिक्के को तीन बार उछाला जाएगा, समझो भाई, मान लो सिक्के को उछाला गया तो ऐसा हो सकता है इस पे हेड आए, जब दोबारा उछाले तो इस पे भी हेड आए, और तिबारा उछाले तो इस पे भी हेड आए। फिर क्या दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इस पे हेड आए, दोबारा उछाले फिर हेड आए, लेकिन जब तिबारा उछाले तो क्या हो गया, टेल आ गया। फिर देखो ऐसा हो सकता है कि इस पे हेड आए और यही पे टेल आ जाए, और यहां पे हेड आए, ऐसा हो सकता है यहां पे हेड आए, यहां पे टेल आए, और यहां पे टेल आए, है ना। कितनी कंडीशन हो गई, चार, अभी और बनेंगी। पहले पे ही टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, और तीसरे पे भी हेड आ जाए। पहले पे टेल आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए। फिर पहले पे टेल, यहां पे भी टेल, यहां पे हेड, इस पे भी टेल, इस पे भी टेल, और इस पे भी टेल। इतने ही टोटल आउटकम हो सकते हैं, इससे ज्यादा बन सकता है क्या, नहीं बनेगा। टोटल कितने हुए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ। वैसे भी किसी भी चीज को अगर तीन बार उछालोगे और उसका एक बार का आउटकम दो है, तीन बार उछालोगे तो क्या आएगा, टू की पावर क्यूब, यानी दो दुनी चार दुनी आठ। तो टोटल आउटकम तो आठ आ सकते हैं, लेकिन वो आपसे पूछा कितना है, दो हेड। दो हेड कहां कहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, यहां मिल रहा है, और यहां मिल रहा है, और किसी कंडीशन में मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। तो ऐसा केवल कितना है, तीन बटे आठ आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया प्रायिकता के क्वेश्चन कैसे लगते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सरल कीजिए। 64 की पावर 1/2, कुछ और नहीं पूछ रहा है, 64 का रूट पूछ रहा है, यानी कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समांतर श्रेणी में तीन संख्याओं का योगफल 45 है, और इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं के वर्गों का योगफल 468 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा देखो, जब इस क्वेश्चन को बच्चे देखे तो बोले अरे ये तो एपी का क्वेश्चन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, और इस क्वेश्चन को क्या कर दिए, सीधा छोड़ दिए। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपके पास है, क्या, गो थ्रू ऑप्शन। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा बहुत कॉन्सेप्ट मालूम होगा। तो क्या होगा, बोल रहा है कि कोई भी चीज समांतर श्रेणी में है और उसका योग क्या है, 45 है। समांतर श्रेणी मतलब क्या, जो कॉमन किसी भी चीज के बीच में डिफरेंस जो हो वो सेम रहे, जैसे 1, 3, 5, कितना अंतर है, यहां पे कितना अंतर है, दो पद के बीच में जब अंतर सेम होते हैं तब क्या कहलाते हैं, उन्हें समांतर श्रेणी कहलाते हैं। तो यहां पे दो है, यहां पे दो है, ऐसे ही ए बी और सी, ये तीन कोई नंबर हैं जो समांतर श्रेणी में हैं, इसका मतलब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम मान लेते हैं कि मान लो नंबर है एक्स माइनस ए, एक्स और एक्स प्लस ए। अभी देखो सब में ए का ही तो अंतर है, इसमें से माइनस करो क्या आएगा, ए आएगा, इसमें से ये माइनस करो क्या आएगा, ए आएगा। अगर इन तीनों को जोड़ लिया जाए तो कितना आ रहा है, 45। जोड़ोगे तो माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा, 45। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15। अब यहां से हम दिमाग लगाना शुरू करेंगे। कैसे दिमाग लगाएंगे, उसे चार ऑप्शन दिया है, कौन कौन सा ऑप्शन दिया है, ए बराबर 15, बी बराबर 16, सी बराबर 18, और डी बराबर 21। तो बोल रहा है कि इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के वर्गों का योगफल 468 है। सबसे बड़ी मतलब ये, और सबसे छोटी मतलब ये। अभी हम इसमें रखेंगे और स्क्वायर करेंगे, वो थोड़ा लेंदी जाएगा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाते हैं। x बराबर 15 आ गया है, तो ये संख्या तो x से बड़ी है, काफी बड़ी है, तो 15 ऑप्शन तो पक्का पक्का नहीं होगा। अगर बड़ी वाली संख्या 16 होती तो छोटी वाली संख्या क्या होती, 14 होती। क्यों, क्योंकि 15 है 16 और उससे एक कम, तो संख्या 14, 15, 16 होती। अभी देखो इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा,
चार चौक 16 6 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 6 आएगा, लेकिन वो बोल रहा है कि इनकी स्क्वायर का जब योग किया जाता है तो कितना आ जाता है 468। यहां पे तो यूनिट डिजिट पे 2 आ रहा है लेकिन यहां पे 8 आ रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? फिर देखो इसमें अगर बड़ा वाला ऑप्शन 18 होता, ये 18 होता तो x की वैल्यू 15 है तो a की वैल्यू कितना 3, तो ये वाली वैल्यू कितना हो जाती 15 हो जाती, 15 - 3 12, ये 12 हो जाती अगर ये 18 होती तो। अभी जोड़ो इसका स्क्वायर करो तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा 4 और यहां पे 4, दोनों जुड़ के 8 दे रहे हैं, ये वैल्यू पॉसिबल है। एक बार 21 भी चेक कर ले कहीं इस पे भी तो नहीं आ रहा है, अगर 21 होता बड़ा वाला तो छोटी वाली क्या होती 15 - 6 - 21, 15 से 6 कम होता कितना होता 9, नहीं तो होता। इसका अगर स्क्वायर करते तो यूनिट डिजिट पे 1, इसका स्क्वायर करते यूनिट डिजिट पे 1, दोनों मिलके कभी 8 देते नहीं देते, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा। तो गो थ्रू ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन हम डायरेक्ट कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि आपको एपीजीपी के सारे कॉन्सेप्ट मालूम है तभी करते, है ना। इसीलिए मैं ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूं कि अगर आप नहीं पढ़े हो, टेंथ के बाद मान लो मैथ्स नहीं देखे हो, कॉमर्स वाले बायो वाले, तो आप कैसे ऐसे पेपर में, क्योंकि भाई क्या है नौकरी तो सबको लेनी है, अब कोई मेडिकल कर लिया तो कोई जरूरी डॉक्टर बन जाए नहीं, ये भारत है और भारत में क्या है उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे तो पीएचडी करने वाले भी पता नहीं कौन कौन सी नौकरी के लिए पड़े रहते हैं, है ना। एजुकेशन सिस्टम ही गंदा है, वो तो मैं साफ बोलता हूँ, अगर एजुकेशन सिस्टम होता तो डिग्री के हिसाब से लोग नौकरी करते, हम लोग बीटेक वाले लोग बताओ मर रहे हैं है? ऐसे ही तो है मैं अच्छा काम कर रहा हूँ अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक कॉमन सी बात है, है? क्या मैं सुधार रहा हूं? हाँ भाई थोड़ा श्रम दान कर रहा हूं बस अगर मैं इंजीनियर होता तो कोई नहीं जान, इसलिए मैं इंजीनियरिंग की जॉब छोड़ के आ गया लोग कोई जान ही नहीं पा रहे, पैसा यार वहां नहीं होता है, 40-50 हजार में पूरे महीने का खर्चा निकालना पड़ता है, कितना मिल जाता 12 लाख, कितना मिलता 12 लाख का एक महीने में 1 लाख, सबको नहीं मिलता एग्जैक्टली, बहुत घिसना पड़ता है ना, 1 लाख मिल जाता पर मंथ। हाँ चलो अब समझदार हो, छोड़ो बात को, क्या जले पे नमक छिड़क रहे हैं चलो जोक्स अपार्ट, सबका प्रोफेशन अपना अच्छा होता है, जो मैंने चूज किया वो ज्यादा अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 84 है, प्रतिस्थापन के बिना 2 पत्ते 52 पत्तों के पैक से यादृच्छा निकाले जाते हैं रैंडमली, है ना, आप कितनी संभावना यानी प्रायिकता से कह सकते हैं कि दोनों पत्ते काले हैं। ताश तो सभी लोग खेले हो, कितने लोग नहीं खेले हो, आज तक कौन ऐसा जो पत्ते नहीं देखे हो, खेले नहीं, तभी तो कभी पत्ते वत्ते खेलो दिमाग खुलता है ना। कहते हैं कभी चोरी वोरी करना चाहिए, आगे बढ़ना है, देखो आगे कौन जाता है, जो बच्चा सबसे दुष्ट होता है, जो सबसे शातिर होता है वही सबसे आगे जाता है, जो तब्बू रहता है कुछ कर नहीं पाता, तो सब करो जितने गलत काम करने हैं अरे सीरियस मत ले लेना, पत्ते होते हैं, पत्ते में इतना जानते हो कि सभी लोग जो 52 पत्ते हैं तो 26 काले होते हैं और 26 कितने होते हैं लाल होते हैं, चार होते हैं, चिड़ी का नाम तो सब सुनने होगा ना, हैं, चिड़ी होता है और क्या होता है हुकुम होता है और देखो ईंट होता है और पान होता है, तो चार होते हैं कलर, कलर दो होते हैं ब्लैक और रेड, है ना, लाल और काला, इसके भी 26 पत्ते होते हैं और इसके भी 26 पत्ते होते हैं, बोल रहा है कि एक पैक है, एक गड्डी है ताश का, उसमें से आप 2 पत्ते निकाल रहे हो, और अगर 2 पत्ते निकाल रहे हो तो आपसे प्रायिकता पूछ रहा है कि दोनों पत्ते काले हों, इसकी प्रायिकता क्या है। तो भाई यहां पे सबसे पहले तो हमें 2 पत्ते निकालने का क्या कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए, 52 में से 2 पत्ता आपको पता थोड़ी कि कौन सा निकाल लो, आप तो ऐसे निकाल लिए, हाथ डाले निकाल लिए, लेकिन कौन सा ये आपको पता है, ये तो जादूगर ही जानेगा ना कि ये पत्ता कौन सा है, तो आप उसमें क्या लगा सकते हो, केवल कॉम्बिनेशन बना सकते हो कि 52 में से हमें 2 पत्ता निकालना है, तो आप कितने तरीके से निकाल सकते हो, 52C2, ये कॉम्बिनेशन है,
52 पत्तों में से दो पत्ता आप 52 सीटू तरीके से निकाल सकते हो। और आपसे पूछ रहा है प्रायिकता किसकी, दोनों काले हों तो काले तो 26 ही है ना, तो उन 26 में से दो पत्ते निकलने की क्या हो जाएगी, 26 C2। और इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, आप सोच रहे हो ये पता नहीं क्या लिखा है, कौन सी कोड लैंग्वेज है। तो इसका होता है 26 × 25 × 24 फैक्टोरियल, कोई भी NCR के फॉर्म में लिखा है तो इसका मतलब होता है n·r·r·। तो ये वही लिख रहा हूं, ये n फैक्टोरियल मतलब 26 फैक्टोरियल, चलो यहीं पे लिख दे रहा हूं है ना, n माइनस आर फैक्टोरियल मतलब 26 माइनस 2 24 फैक्टोरियल, और r k, 3 दूसरी बिंदु 6 माइनस 2 तीसरी -3, ये तीन बिंदु है और बोल रहे हैं कि संरेख हो, संरेख मतलब कोलिनियर, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे ये तीनों बिंदु हो। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आप सबसे पहले दिमाग लगाओगे कि अगर यहां से यहां के बीच का स्लोप निकाला जाए और यहां के बीच का स्लोप निकाला जाए, स्लोप मतलब ढलान, ये हो सकता है लाइन ऐसे भी खड़ी हो, कोई जरूरी नहीं कि ऐसे लेटी हो, ऐसे भी खड़ी हो, मान लो पहले बिंदु K3 यहां पे है, दूसरी बिंदु 6 − 2 यहां पे है और तीसरी बिंदु −3 और 4 यहां पे है। आपके दिमाग में ये तो एकदम निपलना चाहिए कि ये मध्य बिंदु है, एकदम नहीं, जो मध्य बिंदु सोच लोगे वो क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, पता नहीं कैसे दिमाग में बच्चों क्या आ जाता है, ये मध्य बिंदु नहीं है, ये कोई भी पॉइंट है लेकिन इस लाइन पे लाई कर रही है, तो स्लोप सबका क्या होगा भाई, जो ढलान इसकी है वही ढलान इसकी भी तो है, साफ साफ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस वही कॉन्सेप्ट हम लगा देंगे। स्लोप निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या देखे थे, y2 − y1 / x2 − x1, ये x1 y1 x2 y2, तो y2 की वैल्यू क्या है −2, इसमें से क्या माइनस करेंगे 3, यानी कि कितना हो जाएगा −5, x2 की वैल्यू क्या है 6, x1 की वैल्यू क्या है, यानी इसकी वैल्यू है −5/6 − k। पहले दूसरे का स्लोप इससे निकालेंगे तो y2 − y1 −4 − −2 है ना, अपॉन x2 − x1 −3 − 6, यानी कितना आ जाएगा 6/−9, यानी कि 2/3 −2/3, यही तो m1 ये है m2 ये है, दोनों क्या है ढलानी तो है और दोनों क्या है बराबर हैं, तो हम बोलेंगे इसका मतलब −5/6 − k बराबर क्या −2/3, तो k की वैल्यू नहीं पता चल जाएगी, पता चल जाएगी, ये हो जाएगा −15 और ये हो जाएगा −12 + 2 k, इधर लेके आएंगे तो कितना होगा −3/2 k, तो k बराबर क्या हो जाएगा −3/2, क्लियर। कुछ कुछ याद आ रहा होगा जो मैथ पढ़े होगे जिंदगी में कभी, कि ऐसा कुछ किए थे है ना, जिंदगी बीत गई थी यही निकालते निकालते हैं, क्यों यही खराब लगता था क्वाड्रेंट, और इसमें एक और चैप्टर होता था 3D प्लेन है ना, हाँ वो तो मेरे ख्याल से आधे बच्चे उसमें वेक्टर वगैरह होता था है, उसमें तो बच्चे वही से परेशान हो जाते थे, सदिश राशियां अदिश राशियां पता नहीं क्या क्या होती थी है ना, चलो खैर याद कर लो। 10th तक तो चीजें बहुत आराम से लगती थी, लेकिन 10th देखो हाँ आसान था, देखो आसान था बात सही है, अगर जिसकी इमेजिनेशन अच्छी थी उसके लिए ये सारे चैप्टर बहुत आसान थे, ये सारे चैप्टर इमेजिनेशन के थे, अगर आप चीजों को इमेजिन कर पा रहे हो, आपको रेखा है तो रेखा दिख रही है, मन नहीं किया पढ़ने को क्या होता है एक्चुअली 10वें तक सिलेबस तो बहुत आसान होता है, वही व्यवहारिक ज्ञान हम देखते हैं, 10वें के बाद जो 12वें में आते हैं 11th और 12th, वहां पे कोई भी चीज ऐसी हमें नहीं मिलती जो हमें दिखती है ना, हमें भाई 3D या वेक्टर का कोई चैप्टर दिखता है कहीं, आप देखते हो कहीं नहीं देखते हो, कैलकुलस इंटीग्रेशन आ जाता है कहीं देखते हो अपने भाई, उससे पहले जब आप पढ़ रहे होते 9th 10th में तो आप परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे होते हो, बोट स्ट्रीम पढ़ रहे होते हो, रेलगाड़ी पढ़ रहे हो, तो सब दिखता है, बस वगैरह साइकिल
पहिया सब दिखता है तो समझ में आता है हाँ ये ऐसे हो रहा होगा, चाहे मैथ हो चाहे फिजिक्स हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन आप 11th 12th में जाते हो तो सब चीजें इमेजिनेशन में जाने लगती हैं, पता नहीं क्या नैनो लेवल पे जाती है, उसमें आयोटा आ जाता है, माइनस आई और पता नहीं क्या क्या कॉम्प्लेक्स नंबर और क्या क्या चलने लगता है, तो वो लगता है कि पता नहीं हम किस दुनिया में आ गए, है ना। और वहीं पे कुछ बच्चों फेल होना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे का मन नहीं लगता है। ये बात बहुत सही है, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा गलत है यहाँ पे। 10th के बाद जस्ट 11th 12th में जब बच्चा आता है तो उस डिफरेंस को कूप नहीं कर पाता है और वो परेशान हो जाता है, उसे लगता है कि मैं पढ़ने में, उसी बच्चे की जिसकी 10th तक रैंक बनी है 80-85%, वो 11th 10th 12th में आके 40-45 पे गिर जाता है। और सबसे बड़ा जो लॉस होता है वो होता है उसके कॉन्फिडेंस का, उसका मोरल डाउन होता है और पढ़ाई लिखाई वहीं से छूटती है। फिर शहर में 3-4 मोहल्ले के अच्छे अच्छे दोस्त मिलते हैं जो चौराहे के और गुमटी पे खड़े होके उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और वहीं से दुनिया एक अलग लाइन पे चली जाती है। अच्छा चलो, खैर ये तो समाज की बातें हैं है ना। आप बीती पहले आता था है ना दूरदर्शन पे रात को 8 बजे, आप बीती कितने लोग देखते थे और कितने लोग के मम्मी पापा सुला देते थे बेटा सो जाओ डर जाओगे हाँ भाई पुरानों को कौन याद रखता है। क्वेश्चन है, यदि एक अर्धवृत्तीय कोण मापक का व्यास 14 सेमी है 14 सेंटीमीटर तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए। अर्धमापक मतलब क्या, देखे होगे ना चांदा बोलते थे आप लोग है ना, चांदा देखे ना, ऐसे ही तो होता था, कोण ओण बने रहते थे जहां पे 0 डिग्री होता था, ये 80 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री बनता था ऐसे कि नहीं, है ना, ये वही चांदा है। इस चांदा का बात कर रहा है क्या, व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर है, टोटल परिधि पूछ रहा है क्या, पेरीमीटर पूछ रहा है, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पाई आर प्लस 2 आर है ना भाई। पूरे सर्किल का क्या होता है पेरीमीटर, 2 पाई आर, तो इसका आधा ही तो दिख रहा है तो क्या हो जाएगा पाई आर, और ये लाइन भी है तो क्या हो जाएगा 2 आर, यानी डायमीटर ही तो है, तो पाई आर की वैल्यू 22/7, यहाँ पे देखो ये पूरा 14 है तो रेडियस की वैल्यू 7, तो गुणे 7 प्लस 14, ये कट जाएगा 22 और 14 कितना हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हाँ फिर क्वेश्चन 98 कह रहा है, 4.2 सेंटीमीटर के किनारे के एक घन से काटे जा सकने वाले महत्तम लंब वर्तीय शंकु की त्रिज्या क्या है। बोला है कि एक क्यूब है ये, इसमें से आपको एक शंकु निकालना है, शंकु मतलब कोन, ऐसे स्ट्रक्चर का कुछ निकालना है, तो अगर इसमें से काट के निकालना हो ऐसा तो मैक्सिमम ये कितना होगा डायमीटर, तो आप क्या करोगे भाई, मान लो यहीं से इस वाले ऐसे निकाल रहे हो तो इसमें निकालोगे तो अगर इसके अंदर मान लो कोई डब्बा है, डब्बा डब्बा दिख नहीं रहा है यहाँ पे, डब्बा ही नहीं है ना, मान लो डब्बा है, डब्बा के अंदर कोन है तो कोन होगा, तो यही मान लो ये पूरा क्या है क्यूब ही है कमरा, मैं अगर इसमें से एक कोन निकालना चाहूँ क्योंकि सब बराबर है तो एक टोपी वहां पे छुप रही होगी और जो नीचे होगा वही तो बेस होगा, और मैक्सिमम क्या होगा जब जो उसका गोलाई है कोन का वो एकदम वहां पे लास्ट में छुए, एकदम वहां पे छुए, एकदम वहां पे छुए, एकदम वहां पे छुए, तो समझ लो जो नीचे वाला बेस है उसका स्ट्रक्चर कुछ कैसे है, ऐसे है, यहां भी छू रहा 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 है, और इसी को ऐसे ही कोण निकालना है, ये समझ रहे हो, ये 3D डायग्राम है, अब इसी में ये बन जाएगा, देखना बन गया। हाँ तो इसी में से एक ऐसे कोण निकालना है कि उस कोने से निकाल के इस कोने से, पीछे से एकदम आ रहा है ना कोण, ऐसे निकालना है, देख लो अभी अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, अभी दिख जाएगा, ठीक। तो ऐसे अगर हम निकालेंगे एक कोन तो इस वाले फेस पे इसका मैक्सिमम डायमीटर पूछ रहा है, मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा भाई, इसकी लेंथ ही तो होगी, तो इसकी लेंथ कितनी है त्रिज्या पूछ रहा है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा उसके लेंथ की आधी हो जाएगी, लेंथ दिया है 4.2 अगर इसका तो कितना हो जाएगा 4.2, ये इतनी पूरी लेंथ दिया हुआ है 4.2 तो इसी का आधा कितना हो जाएगा 2.1, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया, बचा कुचा जो था टफेस्ट वो भी डाल दिया कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज तो सबको मालूम होगा ना, आई स्क्वायर बराबर क्या होता है
नहीं मालूम? आई स्क्वायर बराबर आयोटा का स्क्वायर होता है बराबर माइनस वन, है ना। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है? ऐसा पढ़े थे कभी? वो दुनिया ही पता नहीं कहां चली गई है। हाँ, तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर के सबसे मेन फॉर्मूले थे, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब इमेजिनरी वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री में कहां पा जाओगे? नहीं, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट हैं। और देखते हैं, मे भी कहीं मिक्स कॉन्सेप्ट हो तो कहीं देखे हो आप, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। हाँ, तो ये है x प्लस आई वाई टू माइनस थ्री आई, इसे आयोटा बोलते हैं। आई मतलब आयोटा, लोटा नहीं, आयोटा है क्या? वेक्टर आई, वेक्टर जे। अच्छा, टू माइनस थ्री आई बराबर फोर प्लस आई, ये दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको करने के लिए क्या करना पड़ता है? कंपैरिजन करना पड़ता है, रियल पार्ट को अलग, इमेजिनरी पार्ट को अलग। जो ये वाला पार्ट होता है ये रियल पार्ट होता है, जो इसके साथ लगा होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। मैं बोलूं थ्री प्लस फोर आई तो ये होगा रियल पार्ट और ये पार्ट होगा इमेजिनरी पार्ट। आ गई बात समझ में? तो ये आपको रियल वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्स और वाई के वास्तविक मान ज्ञात कीजिए। करने के लिए हम क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। तो भाई इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे गुणा होगा, तो हो जाएगा 2x, फिर माइनस 3x आए, ये प्लस 2iy और ये माइनस 3i स्क्वायर y बराबर 4 प्लस i। सबको एक साथ लो, i स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? माइनस 1, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो हम इसे क्या कर देते हैं? गायब कर देते हैं। तो यहां पे 2x प्लस 3y, आई यहां पे कॉमन ले लो, प्लस आई माइनस 3x प्लस 2y बराबर 4 प्लस आई। अब देखो ये एक तरह दिखने लगा, तो इसे कंपेयर करो, यानी 2x प्लस 3y बराबर हो जाएगा 4 और माइनस 3x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 1। वहां का कोफिशियंट क्या है? 1 होगा। और ये दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y बराबर 4 और माइनस 3x प्लस 2y बराबर 1। ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो x और y की वैल्यू पता चल जाएगी। इक्वेशन सॉल्व करना आता है कि वो भी बता दूं? बता दे एक बार। देखो क्या करो, इन दोनों को सेम कर लो, क्योंकि माइनस प्लस दिख रहा है ना, तो सेम करने के लिए यहां पे 3 से गुणा, यहां पे 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 6x प्लस 9y बराबर 12, यहां पे माइनस 6x प्लस 4y बराबर 2, यही तो। दोनों को जोड़ लो तो ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, 13y बराबर 12 दो 14, y बराबर 14 बटे 13 किस ऑप्शन में दिख रहा है? बी, केवल और केवल बी में। इसका मतलब x की वैल्यू निकालने की जरूरत है ही नहीं। इस, हाँ? क्या कह रहे? ठीक है। हाँ भाई, इतना टाइम लेगा तो आपको स्किप करना ही पड़ेगा, तभी तो अटेम्प्ट बच्चों के कम गए हैं, 75-70 ऐसे गए हैं अटेम्प्ट, सबके गए हैं, कोई किसी के ज्यादा नहीं गए हैं। अगला क्वेश्चन है, और यही मेरे ख्याल से आपको थोड़ा व्यवहारिक वाला है, बाकी एक भी व्यवहारिक क्वेश्चन नहीं मिले। कि मिले? अभी तक लग रहा था पता नहीं किस दुनिया का मैथ पढ़ रहे हैं। चलो, कह रहे चॉकलेट के दो ब्रांड क्रमशः 24 और 15 के पैक में उपलब्ध हैं। यदि रमा दोनों प्रकार की चॉकलेट को समान संख्या में खरीदना चाहती है तो उसे प्रत्येक प्रकार के बॉक्स को कम से कम कितनी संख्या में खरीदनी होगी? दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। सबसे सिंपल क्वेश्चन था, एलसीएम पे आधारित। इसके कॉन्सेप्ट को मैं समझा दे रहा हूं आपको, 2 मिनट रुक जाओ, बस पानी पी लो। कह रहा है कि चॉकलेट के दो डब्बे हैं, ठीक। चॉकलेट के दो डब्बे हैं, एक डब्बे में 24 चॉकलेट रखी हुई है और एक डब्बे में 15। अब ये क्वेश्चन है कि रमा जो है वो कितनी चॉकलेट, कितने डब्बे खरीदे कि उसके पास दोनों चॉकलेट बराबर नंबर में हो। बराबर नंबर में हो मतलब कि भाई इसके पैकेट, मान लो इसके दो पैकेट खरीदे तो चॉकलेट कितनी आएगी? 48। इसके दो डब्बे खरीदे तो कितने आएगी चॉकलेट? 30। तो बराबर हुए क्या?
बराबर नहीं हुए, मतलब इसकी संख्या और इसकी संख्या ऐसे खरीदे कि बराबर हो। तो इसका सबसे सही तरीका है, एक तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि एलसीएम लगाना है कि एससीएफ लगाना है, तो आप भाई वहां पे दिमाग नहीं काम करता कि एलसीएम लगाना है कि एससीएफ, वहां पे तो आप जनरल मेथड से लगाओगे। तो जनरल मेथड से लगाने के लिए ये नंबर बराबर कब आएगी देख लो ऑप्शन में। हाँ, पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहले ब्रांड का दो डब्बा ले, दूसरे ब्रांड का तीन डब्बा ले। अगर इसका दो डब्बा लेगा तो कितना आएगा, 48, इसका 45 बराबर है क्या, नहीं। दूसरे का ये 6 ले, 24 छक्के ले, गायब। 144, हाँ 24 छक्के, 134, 144, 144 यार, ठीक। उसके बाद 15 सत्ते 105 बराबर है क्या, नहीं है। अगर इसका 4 ले तो 96, इसका 5 ले तो 75 बराबर है क्या, नहीं है। अब लास्ट ऑप्शन, 24 पंचे 120, 15 अट्ठे 120, यानी यही होगा। समझ में आ गया क्वेश्चन? तो यही एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें थोड़ा दिमाग आपका चल रहा था, है ना।